हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संक परिच्छेद। बहुत ही ज़्यादा आप लोग लालयित थे इस वीडियो के लिए। संक परिच्छेद के कॉनिक सेक्शन के लिए मैं परेशान हो गया था, लेकिन मैं टाइम नहीं पा रहा था। मैंने बताया था कि इसमें टेट का एग्जाम था मेरा, और कल मैंने एक वीडियो ऐसे डाल दिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए द्वारा सराहा गया उसको। तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परवलय का टॉपिक। संक परिच्छेद के अंतर्गत चार पॉइंट होते हैं, उसमें वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। तो हमने पहले दूसरा पॉइंट उठा लिया है, 16.1 का आज अभ्यास हमारा स्टार्ट होने वाला है, और हम परवलय के समीकरण पर कुछ बात करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको सामने नोट कर दिए हैं, और मैं आज आपको थोड़ा सा बड़ा वीडियो देने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि जो उसमें जो है आप लोग ज्यादा उसको सीम नहीं करते हैं, स्किप कर करके देखते रहते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा बनाने में जो जितनी मेहनत पड़ती है वो जो है बहुत थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और आप लोग जो है लाइक का बटन प्रेस नहीं करते हैं। लाइक का बटन जो है तुरंत प्रेस कर दिया कीजिए, जिससे कि उसमें क्या होता है कि जो बनाने वाला जो होता है उसके हौसले जो है थोड़े से बुलंद बने रहते हैं। और अगर आप जब लाइक नहीं देते हैं और रिस्पांस कोई आपका वीडियो का नहीं मिलता है, तो इसलिए बनाने में थोड़ा मजा नहीं आता है। तो आप लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिया है हमने, शीर्ष जो है 0.0 है और नाभि जो है 0.3 है। तो यहां पर देखिए, ये आप कैसे इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। ऊपर y हो गया, नीचे आपका y डैश होगा, और ये आपका x और x डैश हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर शीर्ष दिया गया है और नाभि दी गई है। तो सपोज करिए 0.3 दिया गया है, 0.3, तो 0.3 की बात अगर करें तो 0.3 कहां पर होगा, ये 0 x अक्ष है, तो यहां पर मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु होगा, इसको मान ले, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, 3 आपका कहां पर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। और जब ऊपर की तरफ आपका होगा तो आपका फिगर भी कुछ यों बनेगा, ऐसे आपका बन जाएगा। तो ये आपका यहां पर s आप इसको मान लीजिए नाभि को, और ये आपका 0, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आपका शीर्ष हो जाएगा, और ये मूल बिंदु पर है, 0.0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। अगर नियता आपको बनाने की होती है तो आप क्या करते हैं, नाभि के अपोजिट साइड में नियता जो है आपकी बनती है। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है उस दिन मैंने बताया था कि ये जो होता है इसकी क्या कंडीशन होगी। आप लोग जरा अपने अगर स्ट्रक्चर को खोल कर रख लेंगे, एक बार अपने स्ट्रक्चर को खोल कर रख लीजिए कि ये आपका जो ये साइड है ये कौन सा साइड होता है, तो हम लोग को करने में बहुत आसानी होगी। तो ये ऊपर की साइड में जो है, तो इसका समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर कामा 4ay होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कामा 4ay होता है। ये आपका ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, ये वाला आपका हो जाता है। तो यहां पर ये जो शीर्ष इसका होता है, शीर्ष तो 0.0 दिया गया है, लेकिन नाभि जो इसकी होती है 0.a होती है इस परवलय की। और तो यहां पर जब a का मान हम यहां पर रखेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 आ जाएगा। यहां पर देखिए ये बिंदु दिया गया है 0.3, तो यहां से तुलना कराएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 3, और ये y, तो आपका ये वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, कोई भी अगर दिक्कत हो तो तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। यहां पर आपको क्या करना है, नाभि जो है आपको पता है, ऐसे भी नॉर्मली आप समझ लीजिए, नाभि की बात कर ले तो हमारी नाभि कहां पर होती है, हमारी नाभि भी अंदर की तरफ होती है और अंदर की तरफ दबी हुई होती है। तो सेम उसी प्रकार से मान लेते हैं कि नाभि जो है वो किधर होगी, परवलय के अंदर की तरफ होगी। तो परवलय के अंदर की तरफ इसका जो है नाभि हो गया, और यहां पर जो है शीर्ष है। और नियता की अगर बात होगी तो नियता कहां पर होगी, नाभि के अपोजिट डायरेक्शन में होगी भाई। तो यहां पर ये 0.3 दिया गया है, और ये जो है जब ऊपर की तरफ परवलय का मुंह खुला होता है तो वो उसका जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाता है। और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा तो यहां पर जो हमारी जो नाभि होती है वो कितनी होती है, 0.a होती है, और हमें क्वेश्चन में कितना प्रोवाइड किया गया है, 0.3 दिया गया है। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना, a की जगह पर 3 का मान रख देना है, आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कितना आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। और एक चीज मैं बता दूं कि कभी कभी जब मैं थोड़ा सा हट जाता हूं आपकी स्क्रीन के सामने से, तो आप लोग सोचते हैं कि मैं कहीं कुछ देखने गया हूं, तो आप ये मानिए कि आंसर तो जरूर देखना पड़ता है,
आंसर तो देखने जाना पड़ता है कि कौन सा आंसर आ रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सारा क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब सी साहब को क्या दिया गया है, सी साहब को दिया गया है 0.0, उसी प्रकार से सेम बनना है आपका, ये बन गया, ये वाई है और ये एक्स है। तो आपको पता है जिधर वाई होता है वो आपका धनात्मक होता है, और नीचे का हिस्सा जिसमें डैश लगा होता है वो क्या होता है आपका, ऋणात्मक हिस्सा होता है। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि अगर नाभ की बात हो गई तो नाभ अगर 0.1 है तो ये 0 यहां पर होगा, और देखिए आपने भुज और कोट पढ़ी होगी तो ये x का है और ये y का है हिस्सा, तो यहां पर अगर आप मान लीजिए यहां पर ये बिंदु है तो 0.1 हो जाएगा और अंदर की तरफ होगा, कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। और जब ये अंदर की तरफ आपका होगा 0.1, ये s हो गया और ये आपका शीर्ष बिंदु है 0.0 हो जाएगा। अब यहां से जब ये चीज हो गया है आपका क्लियर, और जब ऊपर की तरफ ही इसका भी मुंह खुल रहा है तो ये परवलय भी कैसा होगा, x² = 4ay की कंडीशन का होगा। अब यहां पर अगर a की बात करेंगे तो शीर्ष आपका 0.1 है और इस परवलय का शीर्ष क्या होता है, 0.a होता है, तो 0.a हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, वही मान यहां पर रख देंगे तो 4 × 1 × y, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये हमारा 4y आंसर आ जाएगा, x² = 4y आ जाएगा। तो क्वेश्चन को भाई नोट कर लीजिए, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन, शीर्ष 0.4 दिया गया है और नाभ आपकी 0.2 दी गई है, तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे, फिगर आप ड्रा कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिगर आपका कुछ ऐसे रहेगा, वाई और ये आपका एक्स हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शीर्ष मूल बिंदु पर नहीं है, शीर्ष कहीं यहां पर है, यहां पर हमने इसको मान लिया 0.4 मान लिया, ये हमारा शीर्ष दिया गया है, और ना भी आपकी कहां पर है, ना भी आपकी यहां पर है, ये है आपका 0.2। तो यहां से जब आप करोगे इसको थोड़ा सा, इस बिंदु को हम लोग हटा लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं इस बिंदु को, इसको बढ़ा लेंगे, तो ये आपका इस प्रकार का कुछ फिगर इसका ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से आपका फिगर ये बन जाएगा, क्योंकि ये बिंदु जो है आपका, ये जो 0.4 है ये वाला बिंदु है आपका और ये आपका शीर्ष है, तो ये आप इसको a मान लीजिए और ये आपका s हो गया है। और अगर नियता की बात करेंगे तो वो जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नियता जो होती है उसकी बन जाती है। तो यहाँ पर इस बिंदु को हम h, k मान लेंगे, क्या मानेंगे, h, k, और ये आपका सेटिस्फाई क्या करा रहा है, 0.1 की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करा रहा है। और आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो समीकरण कैसा है, ये उसकी ऋणात्मक दिशा में बना हुआ है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ इसका है, तो ये आपका समीकरण कैसा बना हुआ है, x² - 4ay की कंडीशन है। अगर ये ऊपर की तरफ खुला होता तो इसका मुंह कैसा होता, ये आपका प्लस का होता, लेकिन ये नीचे की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, माइनस का हो गया है। लेकिन जब शीर्ष बिंदु उसका 0.0 होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर a की तुलना कराकर उसको रख लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, x माइनस और उसके बाद में h रखेंगे, x - h² - 4ay - k रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि h का मान कितना है, 0 है, और k का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x - 0² कर देंगे, माइनस का 4, और a की वैल्यू आप यहाँ से गिवन कर लीजिए, देखिए a की मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि इसका नाभिलंब दिया गया है 0.1 की कंडीशन में, और ये कितना है, 2 दिया गया है a का मान, तो 2 हो जाएगा। और y - k का मान कितना भैया, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, x² - 4 × 8 और ये हो जाएगा y - 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² - 8y और प्लस का आपका 32 हो जाएगा, और ये -8y होगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, तो x² + 8y = 32, ये आपका जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट। आए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया ना भी जो है आपकी 0.0 है, शीर्ष आपको 0.1 दिया गया है, तो ये इस कुछ प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बनके रेडी होगा। तो आपकी जो नाभिलंब जो है, नाभ जो है 0.0 है और शीर्ष आपका 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये दूरी जो आपकी AS की जो होगी, AS जो दूरी जो होगी उतनी दूरी आपकी ये भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए
जो AS की दूरी होगी वही जो ये दूरी होगी वो भी उतनी ही होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, आपका नियता जो है कितना आ जाएगा, y बराबर 2a हो जाएगा। तो यहां से आप एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे PS बराबर PM का, PS बराबर PM का, तो इसको वर्क कर देते हैं, PS का स्क्वायर बराबर PM के स्क्वायर के अगर हम कर देंगे तो यहां पर आपका सूत्र वही आप इस्तेमाल करेंगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर और उसके बाद वाई, यहां पर बीच की दूरी का सूत्र हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और y माइनस के का स्क्वायर और pm की जगह पर आप जो है यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे जो नियता जो होगी आपकी, तो नियता है आपकी y बराबर 2a, तो y माइनस 2a का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको रखना क्या है, सीरीज को रखना है, तो यहां पर x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर ये y माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई और प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से जब करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर और माइनस का फोर ए वाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां से आप करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ay और यहां से जब आप उधर लेकर आएंगे तो 4ay को आप इधर लेकर चले आएंगे और ये आपका हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर और यहां पर माइनस का 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से आप क्या करोगे, x स्क्वायर और यहां पर जब आप करोगे तो प्लस का 2ay हो जाएगा और ये आपका माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन के चला आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए भाई।